नमस्कार, दुरुस्त न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वाजपेयी जी का नया मेडिकल बुलेटिन हुआ जारी, एम्स में हलचल हुई है तेज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के 83 वर्ष दिग्गज नेता को किडनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब आने में दिक्कत और सीने में जकड़न की शिकायत के बाद 11 जून दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एम्स ने कल रात को एक बयान में कहा, दुर्भाग्यवश उनकी हालत बिगड़ गई है, उनकी हालत गंभीर है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल शाम करीब 7:15 बजे वाजपेयी जी का हालचाल जानने एम्स पहुंचे थे। मोदी जी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी भी वाजपेयी जी का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची। मधुमेह यानी डायबिटीज से ग्रस्त वाजपेयी की एक किडनी काम नहीं कर रही है। 2009 में उन्हें आघात आया था, जिसके बाद उन्हें लोगों को जानने पहचानने की समस्याएं होने लगी। बाद में उन्हें डिमेंशिया की दिक्कत हो गई। एम्स ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसमें उनकी हालत जस की तस बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले 9 हफ्तों से अटल बिहारी वाजपेयी यूटीआई इन्फेक्शन और किडनी संबंधित बीमारियों के कारण दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि एम्स प्रशासन की ओर से उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार की बात कही जा रही थी। उनका एम्स में इलाज चल रहा है और उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आशा करते हैं वाजपेयी जी की सेहत में जल्द सुधार हो और वो अपने घर जा सकें। बने रहे हमारे साथ दुरुस्त न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखा रहा है जो वाजपेयी जी की सेहत से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार।